देश के 5 राज्यों दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी की वजह से आगरा में एक महिला की हत्या तक हो गई। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। आज भी इससे जुड़ी 25 नई बातें सामने आई। जनमन विशेष। दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में अब तक चोटी काटने के 100 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ना तो चोटी काटने वाले को किसी ने देखा और न ही उसे पकड़ा। इसलिए एबीपी न्यूज ने चोटी कांड को लेकर मनोचिकित्सकों और कानून के जानकारों से बात की। दोनों का नतीजा ये कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ वहम है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इसे वहम बता रही है। ऐसे में एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के कृष्णा नगर में रहने वाली नेहा ने दूसरी बार बाल कटने का दावा किया। नेहा ने 1 अगस्त को चोटी कटने की आप बीती सुनाई थी। 2 तारीख की रात उसके बाल फिर कट गए हैं। परिवार दहशत में गांव से जाने की बात कर रहा है। मेरी बहन को पता चला, मम्मी कटर की आवाज आ रही। मम्मी बोली लाइट जला, तो मम्मी ने लाइट जलाई। मैं देखी, मैं बेहोश पड़ी, तो मम्मी ने जगाया, नेहा स्कूल नहीं जाएगी। मैं एकदम, मेरे सिर में दर्द होने लगा था बहुत तेज का। कल तो अच्छा दिन कटा, लेकिन आज फिर दोबारा ये कांड हुआ है। ऐसे कब तक बचाएंगे? गाँव ले जाएंगे, कहाँ जाऊँ बताओ। नजफगढ़ की रहने वाली जायदा खान ने भी सुबह 4 बजे अपनी चोटी कटने का दावा किया है। चोटी कटवे के डर से परिवार घर के बाहर नीम के पत्ते लगा रहा है। वो सो रही थी, जब थोड़ा सा उनका आवाज सी आई पापा को, तो पापा ने उठ के देखा तो पापा बाहर की तरफ भागे, तो गेट बंद था और नीचे चोटी पड़ी हुई थी। तब पता चला, उन्होंने शोर मचाया। चीखी थोड़ा सा कि मैं कोई सिर खींच रहा, तो मैं जैसे ही उठा भागा तो वो चोटी नीचे पड़ी थी और मैं ऊपर तक आया, देखा कोई नहीं, बाहर गेट भी बंद थे, निकलने की कोई जगह नहीं थी। चोटी और बाजू में लाल कपड़ा महिलाओं में चोटी कटवा के खौफ को दिखाता है। दिल्ली में बाल कटने का पहला मामला छावला इलाके के कांगन हेड़ी गांव में आया था। बीते रविवार को यहां 3 महिलाओं की चोटी कट गई थी। दहशत का आलम ये है कि महिलाएं नमक, राई और लहसुन को लाल कपड़े में डालकर बालों में बांध रही हैं। इतना डर हो गया है कि हम नहीं तो कहीं बाहर जा पा रहे हैं और कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। घर में रहना है, 24 घंटे घर में रहते हैं। डर तो है ही, और बच्चे ऐसे बाहर भेजने को मन नहीं करता कभी कुछ हो जाए, लेकिन हम जाते भी नहीं, हमारी सास ही जाती है और बस। एबीपी न्यूज की आधी रात की पड़ताल में दिल्ली के तिलनकपुर कोटला के लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लेडीज करे तो करे, क्या सिस्टम डरी हुई है, बाकी सर पीछे की साइड बांध के चल रही, मतलब पूरा लंबी चुटिया नहीं बांध दी। डर है जी। अच्छा, बतिया स्कूल में जाने से मना। हाँ। अब हम सोच रहे भाई इनके भी बच्चों की तरह बाल कटवा दें चोटी काटने से। हाँ। आप सुगन होते हैं तो वो उसकी वजह से भाई जब ये कर दें तो एक बच्चों की तरह अपने जैसे पट्टे होते हैं ऐसे उनकी भी करा दी, चोटी कटेगी। रात के अंधेरे में हाथों में डंडा लिए ये लोग इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश रिझा चोटी कांड की पड़ताल के लिए जब गुरुग्राम के वीर नगर इलाके पहुंची तो वहां लोगों ने अनजाने साए की दहशत में दिखे। महिलाओं के रहस्यमयी तरीके से बाल कट जाने की खबर को लेकर के लोग अब तक दहशत में हैं, और इसी बीच लोग रात रात भर जाग कर पहरेदारी करें अपने घर के ठीक बाहर। इस बाल कटने की खबर से हमने जब इधर सुना तो हमने अपने घर के आसपास भी पहरेदारी करनी स्टार्ट कर दी है कि ये चीज़ क्या है, कैसे हो रही है, इस चीज़ को हम भी अजमा के देखते हैं। हम 2 दिन से जाग रहे हैं, इस गली को घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये चीज़ है क्या। अब तक गुरुग्राम में चोटी कटने के 1 दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। चोटी कटने वाले मामले में पुलिस डेली डायरी में एंट्री करके जांच कर रही है, लेकिन सबूत मिलने पर ही FIR दर्ज की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करने की भी योजना बना रही है।
अगर उनके सामने कोई इस प्रकार के कोई जो बैड एलिमेंट्स या इस प्रकार के जो नोटोरियस एक्टिविटीज करने वाले जो हैं, अगर उनके कोई आते तो तुरंत पुलिस के साथ और मीडिया के साथ शेयर करें। अब तक गुरुग्राम में चोटी कटने के एक दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। चोटी कटने वाले मामले में पुलिस डेली डायरी में एंट्री करके जांच कर रही है, लेकिन सबूत मिलने पर ही FIR दर्ज की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करने की भी योजना बना रही है। अगर उनके सामने कोई इस प्रकार के कोई जो बैड एलिमेंट्स या इस प्रकार के जो नोटोरियस एक्टिविटीज करने वाले जो हैं, अगर उनके कोई आते तो तुरंत पुलिस के साथ और मीडिया के साथ शेयर करें। चारपाई पर पड़ी सोनी की तस्वीर बताती है कि घटना के बाद उसके दिल और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ा है। बीती रात बादलपुर थाना क्षेत्र के अच्छेजा गांव में जिन दो लड़कियों की चोटी कटी मिली, उनमें सोनी भी एक है। पता नहीं लगे बार देख का हाथ में कटे होंगे, सुबह उठाइए जब बार हमारे ठेली पर रखे हुए मिले होंगे। सोनी के घर से कोई 1 किलोमीटर दूर 12वीं की छात्रा शिखा ने भी चोटी कटने की शिकायत की। घर के अंदर सोने के बाद और दरवाजा बंद होने के बाद भी चोटी कैसे कटी, ये रहस्य बना हुआ है। ऐसा लग गया, बहू ने कहा कि मम्मी ऐसा लग रहा कोई जीने पर चढ़ रहा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो देखे तो सवेरे को हमें गुस्सा हो गया, लड़की लूटी हुई उसका पता नहीं चला, अखबार कट गए मेरे। जब सवेरे को देख रहा तो गुस्सा हो गया हमको। शुभ माने जाने वाले ये हल्दी के छापे चोटी कटवा को दूर भगाने के लिए लगाए जा रहे हैं। अब आगरा के लोग चोटी कटवा के बाल काटने की बातें कर रहे हैं। आगरा के दयालबाग की गुप्ता कॉलोनी में मुन्ना देवी जब सुबह उठी तो उनकी चोटी कटी हुई थी। भी लोग डरे हुए हैं। मेरे कमरा में झाड़ू लगा दी, सलीना पर ही कैसे कटे। आगरा के डौती इलाके में लोगों में चोटी कटवा का खौफ इतना बढ़ गया है कि उन्होंने एक वृद्ध महिला को चोटी काटने वाली चुड़ैल समझकर पीट पीट कर मार डाला। गांव वालों का कहना है कि महिला दूसरे समुदाय के इलाके में शौच करने चली गई थी। रात के अंधेरे में लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर पीट दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मारा गुड्डा वो कह रही थी, बेटा बेटा तुमको हम जानते हैं और हमें भी तुम जानते हो, हम भूतनी कुछ भी नहीं है। मतलब तो वो लेटरिंग के लिए गई थी, केवल रास्ता भटक गई थी, वो उस मोहल्ले में पहुंच गई दूसरे में, इस मोहल्ले के अलावा वहाँ मतलब लोगों ने क्या सोच के पीटा है, क्यों पीटा है, वो तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन चुटिया का तो यहाँ कोई ऐसा हुआ नहीं है काम। मथुरा में तो दिन के उजाले में चोटी कटने के दावे सामने आने लगे हैं। नगला आखा गांव में एक महिला की चोटी सुबह 9:30 बजे के बीच कट गई। डर के मारे इलाके में महिलाएं अपना सिर बांध कर रखती हैं। रात को भी घर का कोई न कोई सदस्य जागता रहता है। यूपी में अलीगढ़ के गांव मांदक में रजनी नाम की युवती ने झाड़ू लगाते वक्त चोटी कटने का दावा किया। कुछ ही देर में ठीक सामने वाले घर में विमलेश नाम की महिला के भी बाल कट गए। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में घरों के बाहर हाथ के छापे नजर आने लगे हैं। हटन बैठन ना पाए जब तक मेरे क्लब खुल गई है। क्लब खुल गया नहीं, मैंने देखे हुए क्लब खुल गई मेरी और दुपट्टा गिर गया, इतने में तो बाहर गिर पड़े। हरियाणा के वल्लभगढ़ में महिला के बाल काटने की बात सामने आई। घटना सेक्टर 3 के पास राजा नाहर सिंह कॉलोनी की है, जहां दोपहर के वक्त एक महिला के बाल काट दिए गए। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। राजस्थान में 25 जून को सामने आए मामले में भी पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस किसी शरारत के साथ साथ मनोरोग के एंगल से भी जांच कर रही है। हम तो आपराधिक पहलू देख के जांच करते हैं, किसी ने बाल काट दिए हो, कोई दुश्मनी हो, और कई जगह ऐसे भी आया है कि उसने महिला ने खुद नहीं बाल काट लिए, इस हिसाब से भी हम तक जांच कर रहे हैं। मनोचिकित्सक मान रहे हैं कि फैलती अफवाहों के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं, लोग ध्यान खींचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी केस मेरे हिसाब से फिट नहीं होता है। मेरे हिसाब से सारे के सारे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिमागी रूप से टेंशन में हैं, मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से ये इन अफवाहों में आ रहे हैं और उनके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़
अंदरूनी रूप से चल रही है जिसमें वो इस चीज का विश्वास कर रहे हैं। चोटी कैसे कट सकती है? क्या इसे काटने में कैंची का इस्तेमाल होता है? अगर हाँ तो कोई साया कैंची हाथ में लेकर चोटी कैसे काट सकता है? एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल के लिए हेयर स्टाइलिस्ट से बात की। हम लोग जो सीजर से बाल काटते हैं वो एक ये टाइप की सीजर होती है। जी जी, इसमें बड़ी शार्प तो बहुत होती है लेकिन फिर भी थिक बालों को एक साथ नहीं काट सकती है। उसके साथ साथ जो आदमी प्रिपेयर हुआ है इसके लिए कि मैंने ये काम करना है, जाहिर है उसको पता लगे कि इसको पता भी ना लगे और बाल एक एक चॉप में कट जाए, उसमें आप ये देखें कि दो टाइप की सीजर है। तो क्या पीड़ित महिलाएं सदमे में हैं या फिर ये सब कुछ किसी बड़ी अफवाह का हिस्सा है? ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दें। इन अफवाहों की वजह से ही ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इन अफवाहों की वजह से ही अंधविश्वास भी फैल रहा है। आज सूचना क्रांति का दौर है और ऐसी अफवाहों से आसानी से बचा जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़।